और महोदय यहां पे इसके अलावा यहां पर एक नई चर्चा, परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे थे। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है, मैं तो अकेले ही जाना हूं महोदय। हाँ मॉल में भी जाते, नहीं नहीं बॉल बॉल नहीं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका एक, मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था, मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें, भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए, अभी याद करिए हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया यादव लड़का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का, हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे, हमने डिप्टी एसपी बनाया है, सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो चाहिए जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डाले। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य, महोदय मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है, 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं, नो बॉल को छक्के से हम जोड़ देंगे। और तब महोदय तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी, शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाई बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं, उन्होंने कहा था बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन, बोले राम सकोप तब। इधर के ही भय से सही लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ ये है 16 फरवरी 2014 और उस समय उन्होंने कहा था हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए, मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं, हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है
आपको खेलने का वक्त मिल जाता है। आप समझ सकते हैं, खुदा ना खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे, बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे, खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं। महोदय इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक, महोदय एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है, 97,000। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है, और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल, और महोदय खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, ये भी तो खेल हो रहा था। और भी तमाम चल रहे हैं, बुंदेलखंड की क्राइसिस, सबसे भूमाफिया अलग थे, चल रहे हैं उसमें भी आऊंगा अभी, तमाम एक खेल एक और चल रहा था, आतंकियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का खेल भी चल रहा था। ये सभी खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चलते थे। महोदय ये खेल कहां तक लेके जाएंगे लोग। और तो मुझे कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं खेलना है। देखो मैं एक सामान्य व्यक्ति, और हर एक के साथ बहुत सद्भावना के साथ पेश आता हूं, सम्मानजनक व्यवहार करता हूं, सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं, लेकिन मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं, आपके अनुभव आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं क्यों नहीं मिलता, मैं आज जैसे आपसे मिलता हूँ वैसे मैं उनसे भी मिलता हूँ, और क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। नहीं नहीं उनकी सिक्योरिटी भी उनको दी जानी चाहिए, और सिक्योरिटी मुझे लगता है जितने जरूर आप कह रहे हैं जरूर करेंगे, आपने सिफारिश कर दी है, जरूर उनको मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। और चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए, महोदय। लेकिन मैं एक बात बता जानना चाहता हूं, शहर पे तो शहर पे है, शहर पे भी कहिए शहर पे महोदय।
एक और प्रकरण जो इन्होंने इस दौरान उठाया, जब पूरी दुनिया पूरा देश यूपी के अंदर आया था, हाँ आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसी न लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है, और मैं उनके कह सकता हूं, और बहुत सहज सहज दृश्य उनका जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें, और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप करना चाहिए।